नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं एक ओवरलेस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। ओवरलेस वही प्रोडक्ट है जो कि हमारे श्लोक भाई यानी कि टेक बर्नर भाई बनाते हैं। अच्छा, तो उनके यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ था जब उनका लॉन्च हुआ था, और ऑर्डर मेरा इतना डिले होते गया जो कि फाइनली आज मुझे रिसीव हुआ है। तो आज हम उसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्लॉथिंग की क्वालिटी कैसी है और डिलीवर होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने, ठीक है। तो गाइस, ये रहा वो प्रोडक्ट, तो चलिए इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो फटाफट मैं कटर ले लेता हूँ और प्रोडक्ट को कर लेता हूँ अनबॉक्स। ये मैंने कट किया, देन उसके बाद इसके अंदर एक और पॉलिथीन है जिसमें कि ओवरलेस की ब्रांडिंग है। कैसे देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक और पॉलिथीन है जिसके अंदर ओवरलेस की ब्रांडिंग है, इसे आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करने वाले हैं और इसके अंदर से प्रोडक्ट को निकालेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की दे रहे। इसके अंदर कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे आता है एक वाटर ब्रांडिंग जो कि ओवरलेस का है, देन उसके बाद आता है अंदर हमारा ये टैक्स इनवॉइस और ये ओवरलेस का कार्ड जिसमें कि लिखा हुआ है, हे डियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द ओवरलेस फैमिलीज, एंड कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जो कि श्लोक भाई ने लिखे हुए हैं। तो मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ और मैं हम बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। तो गाइस, मैंने इसको फटाफट कर लेता हूँ बाहर और आपको दिखा देता हूँ जो कि इसके अंदर से प्रोडक्ट निकलता है। तो गाइस, ये रहा वो प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है ओवरलेस क्लॉथिंग से। और गाइस, इसके अंदर हमें मिलता है एक प्रीमियम क्लॉथ, एंड जो प्राइस टैग लगाया हुआ है इसके ऊपर, उसकी जो MRP है 1599 है। बट एक्चुअली इसे मैंने परचेज़ किया है, हाँ, प्राइस की बात करनी है ना, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा इसका फाइनल प्राइस। अब फटाफट मैं इसे पहन के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसकी फिटिंग और लुक कैसी है। तो चलिए कपड़े को चेंज करते हैं। गाइस, मैं इसको पहले साइड में रख देता हूँ और फिर हम भी टिकटॉक के स्टाइल में कपड़े चेंज करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना गाइस। तो गाइस, कपड़े की क्वालिटी और इसकी जो प्रीमियमनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है गाइस, इन कंपैरिजन ऑफ अदर क्लोथ्स। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना, उस चीज़ों को जस्टिफाई करता है। एकदम प्रीमियम क्वालिटी के कॉटन से यूज़ करके बनाया गया है, और इसको पहनने के बाद लगता है कि हाँ, आपने इसके ऊपर पैसे स्पेंड करे हैं। एकदम तगड़ी वाली फील आती है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का बन रखा है और कम्फर्टेबल भी है काफ़ी ज़्यादा। पहनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, और इसको पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो श्लोक भाई, थम्स अप। बता दूँगा गाइस, ये जो प्रीमियमनेस है काफ़ी अच्छी है, और इसकी प्राइसिंग की जो बात करें वो आती है 1199 की, जिसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। तो गाइस, जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, इसका लॉन्च हुआ था उसके नेक्स्ट डे, देन उसके बाद ये डिले होता चला गया, एंड देन उसके बाद 27 नवंबर को इसका डिलीवर्ड मार्क होने लगा, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये क्या हुआ कि जो DTDC के थ्रू आ रहा था मेरा पार्सल, और पार्सल क्या हुआ कि ऑटोमेटिक डिलीवर्ड शो हो गया और मुझे डिलीवर भी नहीं हुआ। फिर मैं परेशान हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी थी, मैंने प्रीपेड के थ्रू ऑर्डर कर रखा था, लेकिन ये डिलीवर शो हो रहा था और मुझे डिलीवर नहीं हुआ। फिर मैंने मेल करना स्टार्ट किया और मेल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैंने 2 से 3 बार ओवरलेस क्लॉथिंग हेल्प सपोर्ट पर मेल किया, और मेल करने के बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। देन उसके बाद मैंने DTDC के कुरियर ऑफिस गया, देन उसके बाद उन्होंने बोला कि OTP वेरीफाइड है, यानी डिलीवर्ड हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान, लिटरली 3 से 4 दिन मुझे धक्के खाने पड़े। देन उसके बाद आज मुझे फाइनली डिलीवर हुआ, और मैंने सोच लिया था अगर आज डिलीवर नहीं होगा तो दिल्ली से 2 घंटे का रास्ता है ओवरलेस क्लॉथिंग की फैक्ट्री जाने का,
बट गाइस लिटरली आज डिलीवर हो गया। तो श्लोक भाई मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपने ब्रांड तो काफ़ी अच्छा लॉन्च कर रखा है बट अपनी जो सर्विसेज हैं उसको भी इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि कस्टमर को सर्विसेज ज़्यादा मैटर करती हैं। आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो इजीली रिप्लाई नहीं करते हैं, ईमेल का रिप्लाई करने के लिए 24 घंटे लगा देते हैं। इवन जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे डिलीवर शो हो रहा था बट मेरा पैकेट मुझे डिलीवर नहीं हुआ था, मुझे धक्के खाने पड़े, मैंने यहाँ से वहाँ जाके लोगों से बात करी, लिटरली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे वियर करनी पड़ी। दैन उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा किराया भी स्पेंड करना पड़ा यहाँ से वहाँ जाने के लिए। लिटरली गाइस मुझे ये 1200 की जो हुडी है ये टोटली मिलाकर 1500 तक की पड़ गई, क्योंकि मुझे 2 दिन का किराया वेस्ट करना पड़ा। मैं इनके मदर हब में गया, वहाँ पे पता किया, देन उसके बाद पता चला कि डिलीवरी बॉय डिलीवर नहीं कर रहा था, उसने ऑटोमेटिकली डिलीवर मार्क कर दिया था। तो बर्नर भाई आपने प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा रिलीज़ कर रखा है बट अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव करो, क्योंकि जो सर्विसेज है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है एक कस्टमर के लिए। अगर कस्टमर को सर्विसेज एंड तक नहीं प्रोवाइड कर पाओगे तो लोग आपकी वेबसाइट से क्यों परचेज़ करेंगे। वैसे कपड़े की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है बर्नर भाई, और आपने बहुत बढ़िया कपड़ा बना रखा है, उसके लिए एक बिग थम्स अप। तो गाइस ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप COD में करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन केसेस अगर आप प्रीपेड करते हैं और मेरे जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन COD ऑर्डर्स वो ज़रूर से डिलीवर होगा और आपके पास सिक्योरिटी रहेगी कि जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा तभी आप पेमेंट करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपनी तरफ से एक लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू गाइस।